हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माय आइडियाज़ एंड वर्क में। और मैं हूं बनीता। आज के इस वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगी बच्चों के लिए टोमेटो क्राफ्ट का वर्क। वैसे तो ये टोमेटो शेप मैं अपने बच्चे के लिए बना रही थी उसके फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन राइम्स के लिए, बट फिर मैंने सोचा चलो इसे आपके साथ भी शेयर करते हैं। हाँ, मैंने एक बिग साइज़ टोमेटो बनाया है और रेस्ट ऑफ मैंने स्मॉल साइज़ टोमेटो बनाए हैं जो कि बैकग्राउंड को दिखाने के लिए बनाया है। और जो बिग साइज टोमेटो है वो अपने बच्चे को मैं उसको उसकी ड्रेस के ऊपर उसे पहनाऊंगी। अभी मैं वो आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि वो मैंने कैसा बनाया है। तो उसको बनाते हुए मैंने उसके पीछे इलास्टिक यूज़ किया है जो बच्चे की कमर में पीछे मुझे पिन कर देना है, और ऊपर से मैंने एक रिबन दिया है जो उसकी नेक में उससे सपोर्ट करेगा। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी इस वीडियो में ही कि मैं लगातार आप देख रहे होंगे, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मेरी जितनी भी वीडियो है मोस्टली वो स्कूल प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही होती हैं। जो स्कूल में बच्चों को प्रोजेक्ट मिलते हैं और मेरी कोशिश होती है कि उनको उनके एग्ज़ाम में, उनके प्रैक्टिकल में काफ़ी मैं हेल्प कर सकूं किसी भी फाइल को या फिर किसी भी डिज़ाइन को बनाने में। आप तो मेरी वीडियो की लिंक में जा कर के देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने लिंक दे रखी है। तो बस फ्रेंड्स, यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि काफ़ी मेहनत कर रही हूँ बहुत दिनों से, लगभग 6 मंथ हो चुके हैं मेरे इस चैनल को रन करते हुए। तो प्लीज़ आप तो इसे देखिए, मेरे सारे वीडियोस को देखिए और सब्सक्राइब करिए। और इतनी मेहनत करने पर तो एक सब्सक्रिप्शन तो ज़रूर बनता है सबकी ओर से। तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करिए। किसी भी न्यू यूट्यूबर के लिए 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट होता है, तो मेरे लिए भी है। और आप देख सकते हैं अभी भी मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, अगर मेरी वीडियोस वाकई आपके लिए यूज़फुल है और आपको पसंद आती है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो बनता है। आई होप इस वीडियो के बाद आप मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। उसके साथ ही आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या मतलब डिज़ाइन चाहिए, आप क्या देखना चाहते हैं, क्या आपको नया सीखना है या फिर आप कहाँ चैलेंज फेस कर रहे हैं। तो मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं बिल्कुल आपके लिए वो चीज़ बना करके लाऊं, मैं आपको दिखाऊं, ताकि आप अपने किसी भी स्कूल प्रोजेक्ट में उस चीज़ को प्रेजेंट कर सकें। तो ये मेरा रेड टोमेटो यहाँ पे आप देख रहे हैं बनके तैयार हो चुका है। इस बड़े टोमेटो में आप देख रहे होंगे पीछे मैंने इलास्टिक और रिबन लगाया है जो उसके बच्चे की कमर और गर्दन में उसे होल्ड करने में सपोर्ट करेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।